राजस्थान में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों और उसके बाद अब अमित शाह की पूर्वी राजस्थान में कदमताल दिखा रही है कि भाजपा तैयारी में है कि कांग्रेस के रिपीट के सपने को पूरा नहीं होने दे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बता चुके हैं कि बजट में उन घोषणाओं का मकसद केवल वही है कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो, लेकिन इस तमाम सियासी गणित में उन सीटों पर निगाहें हैं जहां पिछली बार पिछड़े हैं और अब की बार आगे रहने का मादा है। मैं हूं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं राजस्थान चौक। और राजस्थान चौक पर इस वक्त सियासी नजरे से सबसे अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह का भरतपुर दौरा। राजस्थान भाजपा तक सूचना पहुंच रही है कि अमित शाह फरवरी अंत में राजस्थान के दौरे पर होंगे और राजस्थान का जो इलाका उन्होंने चुना है वो है भरतपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्वी राजस्थान में ही पिछले दिनों देश के महत्वपूर्ण सड़क कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन करने आ चुके हैं और उसमें एक सियासी सभा को भी संबोधित कर कह चुके हैं कि राजस्थान में वापसी भाजपा की होगी। मीन भगवान की, हर्षज माता की, मैया केला देवी की, देवधाम जोधपुरिया की, पंच महादेव की, दौसा की इस धरती से मैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में विराजमान भगवान हनुमान जी को श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल जी को प्रणाम करता हूं। राजस्थान भाजपा भी माने बैठी है कि इस बार चुनावी गणित में वही होगा जो दशकों से होता आया है, यानी एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि क्यों पूर्वी राजस्थान भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां जेपी नड्डा दौरा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर चुके हैं और अब अमित शाह आ रहे हैं। जब भरतपुर में अमित शाह आ रहे हैं तो निशाना केवल भरतपुर जिला नहीं, आसपास के तमाम जिले और पूरा पूर्वी राजस्थान है। जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूं वो बेहद अहम है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में भाजपा वर्ष 2018 में पिछड़ी नजर आई। महज 4 सीटें मिली थी। पूर्वी राजस्थान में 39 राजस्थान विधानसभा की सीटें हैं जहां केवल 4 यानी कि निर्दलियों के बराबर और बसपा से कम सीटें राजस्थान भाजपा को मिली थी। 39 सीटों में कांग्रेस 25 पर विजयी रही थी, बसपा 5 सीटें लेकर अपने आप को मजबूती से आगे रखती हुई नजर आई, भाजपा को 4 सीटें मिली, निर्दलीय भी 4 सीटें ली, आरएलडी के पास 1 सीट आई जो भरतपुर की थी। ऐसे में राजस्थान भाजपा और केंद्रीय भाजपा की सीधी निगाहें हैं कि इस बार पूर्वी राजस्थान से घाटा कम हो। इस घाटे को कम करने के लिहाज से लगातार केंद्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं, जिनमें महत्वपूर्ण कड़ी में एक से एक नेता जुड़ते जा रहे हैं। वर्ष 2013 में तस्वीरें भाजपा के लिए उलट थी। 2013 में भाजपा को यहां बढ़त मिली हुई थी, लेकिन 2018 में समीकरण बदले, लेकिन ये समीकरण 2023 में नहीं रहे, इसकी कोशिश राजस्थान भाजपा कर रही है। 7 जिले हैं, 39 सीटें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक और सवाई माधोपुर के साथ दौसा की अहम सीट है। पिछली बार के चुनाव में सवाई माधोपुर से नील बटा सट्टा सन्नाटा भाजपा के पास था, यानी कि सवाई माधोपुर की एक भी सीट में भाजपा जीत नहीं पाई थी। इस बार कोशिश है परिपाटी बदली जाए, मतदाताओं को लुभाया जाए, ऐसे में उन तक पहुंचने की तैयारी में केंद्र के बड़े नेता हैं। मंत्रियों का दौरा रहेगा, वो भी पूर्वी राजस्थान पर फोकस करता हुआ रहेगा और दिल्ली से लगता हुआ है, हरियाणा से सटा हुआ स्टेट भी है। साथ ही बात करें तो मध्य प्रदेश की सीमाएं भी इससे टच है,
ये फील गुड फैक्टर राजस्थान भाजपा के लिए बेहद अहम है। इसकी कमान केंद्र के नेताओं ने संभाली। अपने सबसे बड़े चेहरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्वी राजस्थान पर फोकस कर अपने दौरे बढ़ा चुके हैं। ऐसे में सियासी गर्माहट के बीच में पूर्वी राजस्थान की 39 सीटों में कितनों पर भाजपा काबिज होगी यह दिसंबर अंत में पता लगेगा। लेकिन इतना तय है कि इन चुनावों के जरिए राजस्थान भाजपा की कोशिश है कि जो गैप सीटों में रहने वाला है वो ना रहे। कोशिशें अमित शाह के दौरे को लेकर आगे बढ़ रही हैं। जब अमित शाह राजस्थान आएंगे और अपने चुनावी और सियासी भाषण के साथ साथ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे तो यह देखने वाली बात होगी। इन सियासी चर्चाओं के बीच में नेता प्रतिपक्ष का पद भी खाली है। ऐसे में उम्मीद है जब अमित शाह आ रहे होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल घोषित कर दिया गया। ऐसे में जब अमित शाह आ रहे हैं तो नया नेता प्रतिपक्ष भी भरा जा सकता है। खैर, ये सारी चीजें देखने की बात होगी। आप जुड़े रहिए राजस्थान चौक के साथ। राजस्थान की तमाम राजनीतिक, सियासी और अहम खबरें हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अंकित तिवारी लेता हूं विदा। नमस्कार।